कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभालने के बाद राहुल की ये पहली विदेश यात्रा होगी। इस यात्रा पर वह NRI समुदाय को संबोधित करेंगे और उनके बहरीन प्रधानमंत्री से मिलने की संभावना है। वे 7 जनवरी को बहरीन के लिए रवाना होंगे और उनके 9 जनवरी तक वापस लौटने की संभावना है। ध्यान रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ दिन बाद बहरीन के दौरे पर जाने वाले हैं। साल 2016 में भारत और बहरीन के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। राहुल NRI सदस्यों के आमंत्रण पर बहरीन जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि राहुल की बहरीन के प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा शाही परिवार के सदस्यों से मिलने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले राहुल गांधी ने आखिरी विदेश यात्रा के तौर पर अमेरिका और नॉर्वे का दौरा किया था। राहुल ने अगस्त सितंबर 2017 में नॉर्वे का दौरा किया था और वहां के केंद्रीय बैंक प्रमुखों के असूलों के मेयर से मुलाकात की थी। रिपोर्ट, पल पल न्यूज़।